सो गाइस देख सकते हैं आज ड्यूक का पेंट जो होने वाला है, और साथ ही साथ इधर जुपिटर भी है उसको भी पेंट करेंगे, और इसमें लगाने वाले हैं ये वाला X3 किट। साथ में देखिए आज कौन है, रेंगो हेल्पर का काम करेंगे। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं, दोनों का एक साथ करेंगे, दिखाते हैं आपको कैसे क्या करते हैं सारा कुछ। तो सबसे पहले इसको लेबल करना होगा, देख लीजिए X3 किट बहुत ज़्यादा गड्ढा है इधर से, तो चलिए इसको जल्दी से लेबल कर लेते हैं, फिर पुट्टी भरना होगा इसमें। और गाइस हाथ से इसको घिस रहे थे तो बहुत टाइम लग रहा था, तो इसीलिए हम मशीनें लेके आ गए। और इधर देख सकते हैं इधर डेंटिंग का काम चल रहा है, अभी यहाँ भरना पड़ेगा हमको, पूरा यहाँ का कलर ख़राब हो गया, इसमें अभी हम पुट्टी भरेंगे। और इधर देख सकते हैं पुट्टी लग चुका है, बस इसको सूखने के लिए थोड़ा देर छोड़ देते हैं हम। तो इसको ऐसे करके रगड़ना पड़ता है, नहीं तो लेबल नहीं होता है। इसके स्टिकर हटाते हैं अब, और देख लो शाम हो चुका है, अभी तक कितने काम हुआ है, उसके डेंट भर रहे थे, शाम हो गया उसी में, आज बस दोनों में प्राइमर लगा के छोड़ देंगे। अभी देख लो स्कूटी को खोल रहे हैं, उसके बाद बाइक को खोलेंगे, क्योंकि उसका अभी हमको इलेंकी मिला नहीं है, मिलेगा उसके बाद बाइक को भी खोलेंगे। तो देख सकते हैं इसका साइड का बॉडी खोलते खोलते ही रात हो गया, और उधर 250 का तो काम अभी बाकी है, बस उसका थोड़ा सा काम हुआ है। तो साइड का पैनल तो हम खोल दिए हैं, और इधर देखो मैगी खाते खाते काम चल रहा है, इसको भी अभी तक पेंट नहीं किया। सारा को एक साथ करेंगे, स्कूटी और बाइक को दोनों को, आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। और गाइस टाइम देख सकते हैं, और इधर प्राइमर रेडी हो चुका है, और इतना सारा हमें अभी पेंट करना है, देख लो रात में भी काम नहीं रुकता है। और ऊपर क्या है, बैटमैन अमरूद खाने आया है। तो चलो ये सबको एक बार में क्लियर करते हैं। तो देखिए ग्राफिक्स बन गया इसमें, तो देख सकते हैं ये वाला में प्राइमर लगेगा, फिर उसके बाद X3 किट में लगाएंगे, जल्दी से इसमें लगाते हैं और दिखाते हैं आप लोग। और देख सकते हैं प्राइमर लगने के बाद कुछ ऐसे लग रहा है कि ग्लव्स की हालत देख लो, थिनर से क्या हो गया, थोड़ा सा थिनर छिटका हाथ में, और ये देखो। सो गाइस देखो X3 किट डबल कोटिंग हो चुका है, सारा कुछ कंप्लीट कर दिया हम प्राइमर लगा के, इधर देख लो इधर है उधर है अंदर भी है। तो ये वाला डबल कोट की लास्ट कुछ ऐसे लग रहा है, इसके बाद पेंट होगा। और गाइस अब तो ठंड भी लगने लगी है, और इसका क्या करें सोच रहे हैं, इसका तो चक्का निकाल दिया, इसको इधर ही छोड़ना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, इसको अंदर कर देते हैं और बाकी सामान सबको रख देते हैं, सुबह फिर काम चालू करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं सुबह सुबह घिसने का काम चल रहा है, अभी इतना सारा घिसना बाकी है, उसके बाद इसमें कलर चढ़ाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको आगे का वीडियो। और देख सकते हैं ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस अभी इसमें कलर चढ़ाना बाकी है, तो जैसे ही लाइट आएगी उसके बाद हम इसमें कलर चढ़ा देंगे। अभी देख सकते हैं टंकी हमारा खुल रहा है, उसके बाद ये वाला को खोलेंगे साइड वाले को, और देख लो ये टंकी बाहर आ गया, तार थोड़ा सा फंस रहा है, उसको दबा के बाहर करना, दोनों साइड ही दबाना। एक तो ओपन हुआ इसका लॉक, नहीं नहीं इसका इधर पीछे, ये खुल गया अब बच्चा आखिरी। और देख सकते हैं टंकी खुलने के बाद कुछ ऐसे लग रहा है, अभी पीछे का फ्रेम को निकालना बाकी है, इसमें भी बहुत लोचा है। इधर देख सकते हैं कलर तो हम बना लिए हैं, और लाइट अभी जाके आ रहा है शाम को, तो स्कूटी को अभी पूरा कर देते हैं, फिर बाइक को करेंगे जल्दी से। तो अभी इसको सिल्वर कर रहे हैं, देखिए कुछ ऐसे हो रहा है, तो गाइस देख सकते हैं रात हो चुका है, ये सबको तो कंप्लीट कर दिए हैं सिल्वर को, अभी KTM का काम बाकी है, उसको करना है अभी।
तो गाइस आज भी रात हो चुका है, देख सकते हैं, लेकिन पैनल सबको हम पेंट कर चुके हैं, पैनल चेजिस, और पूरा अंधेरा हो गया। देख लो 10 बजे पार हो गया, तो बाकी काम तो कल ही होगा, इधर भी है, ट्रेन सबको पेंट कर चुके हैं, तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट सुबह। तो देख सकते हैं ये सब में तो हम रात में ही कलर चढ़ा चुके थे, तो अभी ब्लैक का काम चल रहा है, दिखाते हैं आपको बाहर। ये है टैंक, अभी इसको हम लोग ब्लैक करेंगे, तो देरी नहीं करते हैं, जल्दी से ब्लैक करते हैं। अभी देख सकते हैं इसमें क्लियर कोट लगने वाला है, तो इसमें जल्दी से लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्लियर कोट लगने के बाद कैसे लगते हैं। और ये देख सकते हैं रिम भी हो गया कोटिंग, और उधर बकरी सब मैं कर रहा है, और देख सकते हैं टंकी में भी क्लियर कोट चढ़ चुका है, कैसे साइन कर रहा है, बस सूखने का इंतज़ार करना है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ सामान सब सूख रहा है और कुछ बाहर भी है, और ये रहा X3 किट, और इधर तो ये वाला टैंक है, देख लो ब्लैक में मल्टी कलर। चलो ये सबको सूखने देते हैं, फिर बाद में लगाएंगे ये सबको। तो अभी देख सकते हैं स्कूटी का काम चल रहा है, बॉडी लग रहा है इसको, तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी देख सकते हैं टायर तो हम लोग लगा चुके हैं, अभी हेडलाइट का काम चल रहा है, इस साइड का थोड़ा सा क्लैंप टूटा हुआ है, उसको अभी चिपकाएंगे फिर लगाएंगे। तो अभी X3 किट को यहाँ पे होल करना है, ड्रिल करेंगे, बोल्ट लगाने के लिए यहाँ पे ड्रिल करना होगा दो जगह। तो इधर देख सकते हैं होल तो हो गया, चेक कर लेते हैं पहले। तो देख सकते हैं X3 किट भी लग चुका है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इधर साइड टूट जा रहा है, तो इसको इधर घिसना पड़ेगा लोहा से। सो देख सकते हैं X3 की डिवीज में लग चुका है, अब कुछ ऐसे लग रहा है, तो अभी इसको चेक करते हैं कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। फाइनली दोनों गाड़ी कंप्लीट हो चुका है, एक है ड्यूक 250 और एक है स्कूटी, इसका कलर कुछ ऐसे है, और इसका तो मल्टी है, ब्लैक में कैंडी रेड। सो देखो कलर कैसे लग रहा है, तो जिसको भी पेंट कराना हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी कलर इसको करके ऐसे दे देंगे हम। तो अभी चलो निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आप लोग से मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में, थोड़ा सा बाहर चलते हैं और इसका लेते हैं सिनेमैटिक वीडियो। काफ़ी दिन के बाद हम इधर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इसका जो पीछे का चेचिस खोले थे उसको खोलने में इतना टाइम लग गया ना, क्या बताया आपको, और जो पेंट करने का पारी आया तो लाइट कट गया, और पता चला वो दिन लाइट दिया ही नहीं शाम तक, तो और क्या होता, लेट तो हो गई ना, या तो हम गाड़ी को 2 दिन पहले दे देते, और जब देने का पारी आया तो ये वाला को हम ब्लैक कर दिए थे, तो ये वाला को रेड बोला, तो फिर से इसको प्लेन करके फिर से हम रेड करके दिए ये वाला को, और पीछे के एक साइड का बार हल्का सा कलर ख़राब हो गया था, तो उसका हमको पूरा कलर उखाड़ना पड़ा, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए गाड़ी देने के लिए, नहीं तो 3 दिन में गाड़ी उसको देते थे, एक दिन लाइट के चक्कर में और एक दिन थोड़ा सा कलर के चक्कर में, होता है वैसे। 12 बजे तक काम करेंगे तो जल्दी तो देंगे ही ना गाड़ी,
पहचान तो नहीं रहा है कि पीटर है गाड़ी में बोल के, बस घूर घूर के देख रहा है। चलते हैं नदी साइड, थोड़ा सा ड्रोन शॉट लेंगे उधर से। तो अगर किसी को पेंट कराना हो तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं और वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, नंबर दे देंगे, वहाँ से आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा।